हम लोग बोट से ऑस्ट्रेलिया आए थे और इसमें किसका फायदा है भाई एजेंट मोटा कमा लेगा तो ये लोग पहुंचे इंडोनेशिया इंडोनेशिया बोट से पहुंचे तो ये लोग पहुंचे इंडोनेशिया इंडोनेशिया बोट से पहुंचे पुलिस ने बोला भाई आज इधर पहले इन लोगों की भाई पूरी खातिरदारी जो भी कोई बंदा सोच रहा है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया चले, चले जाते हैं डंकी से आज की इस वीडियो में थोड़ी बहुत तड़कती फड़कती खबर लेके आया भाई आपके लिए तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ फरवरी में 30 लोग ठीक है बोट में आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया डंकी मारते हुए और उनके साथ क्या हुआ क्या उन लोगों को असाइल मिला नहीं मिला सारी बातें करने वाला है इस वीडियो के अंदर तो आप लोगों को पूरा जाना तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो नीचे ला सब्सक्राइब बटन और भाई 58 एट परसेंट नहीं 48 एट लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अगर वो कर दोगे ना तो बढ़िया हो जाएगा अपना काम मतलब आप लोगों का तो कुछ नहीं जा रहा बस क्लिक करना है और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन पॉप हो जाएगी जब भी आएगी तो डंकी करने के दो रस्ते हैं वैसे तो कोई भाई रास्ता नहीं है ठीक है सीधी बात इलीगल है करना जो भी जैसी कंट्री में लॉज हैं जहाँ पर जो जो जैसे लोग करते हैं भाई आप लोगों ने नेट पे देख ही रखा है कि कैसे जाके वो वसाइलम सीख करते हैं और वहाँ के लॉज क्या कहते हैं उनको करने को यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का क्या सीन है मैं आप लोगों को बताता हूँ किसाइलम मिलता है कि नहीं मिलता और सेफ है कि नहीं डंकी तो भाई सबसे पहली बात क्या होता है आप लोगों को ना एजेंट मिल जाएंगे हम आपको ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे ठीक है ऑस्ट्रेलिया में मस्त है लोग पैसे छाप रहे हैं अंधा पैसे छाप रहे हैं मजे कर रहे हैं लोग आप भी चले जाओ ठीक है आप लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे कि भाई तू हमको तीस से चालीस लाख दे हम तेरे को गलत तरीके से पहुंचा देंगे बट सही पहुंचा देंगे सेफ पहुंचा देंगे ठीक है एजेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं और कुछ नहीं होता भाई उन्होंने अपने बंदे सेट कर रखे होते हैं ठीक है इस कंट्री में एक होता है दूसरे में एक होता है वहाँ से तीसरा ऐसे ऐसे बोल देते हैं और एजेंट आपको सबसे पहले बोलेगा कि पहले डिपॉजिट कर दो आधे आधे तब कर देना जब पहुँच जाएंगे या फिर वो आपसे पूरे पैसे पहले ले लेगा और बीच बीच में भी पैसे लेता रहेगा कि भाई अब उसको देने हैं अब आपका जो लड़का है वो यहाँ तक पहुँच गया है उसको देने हैं पैसे वो सारी चीज़ें बीच बीच में भी पैसे मांगते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव मनी इन्वॉल्व होता है भाई इसके अंदर जितना तो हमने नहीं दिखाया स्टूडेंट वीज़ा में अपने हैं जहाँ लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते होते हैं हम लोगों को लिविंग एक्सपेंस दिखाना होता है जो कि होता है चौबीस हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर बट बट डंकी में भाई उससे भी ज़्यादा लग जाता है वो डंकी लोग भाई क्यों करते हैं क्योंकि उनको फैसिनेटिंग सी लाइफ दिखती है अच्छा लाइफ हो जाएगा बहुत सारी चीज़ें कि वो उसका भी लड़का चला गया हम भी जाएंगे ऐसे करके ना होता है थोड़ा सा ना रिश्तेदारों में ऐसा कि वो भी चला गया हम भी चले जाएंगे ऐसे करके सीन होता है फिर हाथ पैर मारते हैं कि हमको तो पहुंचना है भाई कैसे भी ऑस्ट्रेलिया हमको तो पहुँचा दो कैसे भी पहुँचा दो भले कितना ज्यादा डेडली रास्ता हो पहुंचे ना पहुँचे किसी को नहीं पता भाई लोग निकल जाते हैं घर वाले नहीं मानते तो बिना बताए निकल जाते हैं भाई ऐसे लोग हैं और इसमें किसका फायदा है भाई एजेंट मोटा कमा लेगा उसके बाद जो यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे उसके बाद क्या होगा वो तो अभी आप लोगों को बताऊंगा बट भाई बिल्कुल भी सेफ नहीं है करना ठीक है बहुत ज्यादा डेडली होता है इसके कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ज्यादा बुरे होते हैं भाई पहली बात तो भाई नहीं करनी चाहिए ठीक है बिल्कुल भी हाथ जोड़ के ऐसे बोल रहा हो कि जहाँ पर आप लोग हो अपनी कंट्री में अगर आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हुआ है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है वेट करो आप रीअप्लाई करने का बट कोई गलत हरकत मत करो कि भाई गलत तरीके से ऐसे निकल निकल के आ जाएंगे कि यूएस में तो सैलम मिल रहा है ठीक है जो भी अभी चल रहा है वहाँ पे मेरे को नहीं पता न इसलिए कि मिल रहा है नहीं मिलता बट यहाँ का मैं आप लोगों को बताता हूँ तो हाँ तीस लोग आए भाई तीस पाकिस्तान से लोग आए दो रस्ते होते हैं डंकी करने के एक होता है भाई इंडोनेशिया जाओ फ्लाइट से और दूसरा होता है इंडोनेशिया जाओ बोट से ठीक है इंडोनेशिया पहुंच गया आप लोग यहाँ पर मतलब जो लोग आए थे उन लोगों की स्टोरी आई है वो लोग यहाँ पर पहुंचे बोट से ठीक है उसके बाद इन लोगों ने पता नहीं कौन से पासपोर्ट रखे थे फेक पासपोर्ट थे असली थे नहीं पता भाई बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं लिखा हुआ ठीक है जितना मैंने आर्टिकल पढ़ा तो ये लोग पहुंचे इंडोनेशिया इंडोनेशिया बोट से पहुंचे बोट से पहुंचने के बाद इन लोगों ने ली टेमोरलेस्टे एक जगह है ठीक है ऐसे आईलैंड टाइप है साइड में देख सकते हो तो वहां पर एक जगह है दिल्ली ठीक है अपने वो दिल्ली वाला नहीं दिल्ली यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए भाई ये लोग बोट से उसके बाद इन लोगों ने एक और बोट ली टिमोर लेस्ट से बीगल बे के लिए ठीक है बीगल बे के इधर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है आप लोग देख सकते हो तो फ्लाइट से आओगे तो डेढ़ दो घंटे की फ्लाइट होगी या फिर उससे भी कम बट बट ये लोग बोट से आए ठीक है बोट में करीबन इन लोगों को आने में लग गए सेवन डेज और दिक्कत क्या है भाई बोट है छोटी सी ठीक है बहुत ज्यादा उसके अंदर बैठे हैं तीस लोग उसके अंदर आप लोगों को बैठे ना सात दिन दिन रात खाना उसके अंदर प्रॉपर होता नहीं है लोग हाइपोथर्मिया से ही भाई चले जाते हैं और कोई डेंजरस सा हो गया ठीक है समुद्र तो भाई अनप्रडिक्टेबल है कहीं से भी कुछ भी हो सकता है तो ये लोग कैसे धैसे करके सात दिन उसके अंदर काट के मतलब छोटी सी बोट होगी बीच में उसके अंदर छुप छुपा के क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कॉर्नर्स में हर कंट्री वॉच बॉस्टावर्स लगे होते हैं मतलब हर कंट्रियों में कि कोई आ रहा है कोई गलत लूटपाट करने तो नहीं आ रहा कोई वारदात तो नहीं होने वाली तो वो हमेशा ध्यान रखते हैं बट ये लोग डॉच कर करके हेलीकॉप्टर भी उड़ते रहते हैं डॉच करके ये लोग कैसे धैसे करके पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया जैसे ही लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंचे इन लोगों को यहाँ के किसी सिटीज़न ने डिटेक्ट किया कि ये कुछ लोग आए हैं थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा क्या है तो उन्होंने जाके बात करी तो उन लोगों ने पुलिस बुला ली थी पुलिस आए भाई ठीक है पुलिस ने पकड़ लिया भाई गुद्दी पकड़ ली पुलिस ने बोला भाई आ जाओ इधर पहले इन लोगों की भाई पूरी खातिरदारी हुई मतलब खाना पीना किया कि भाई बंदे सही है कि नहीं लोग जैसे भी आया भाई सेफ़ है कि नहीं हेल्थ वाइज इन लोगों को ले गए भाई सीधा नाउरू नाउरू एक आइलैंड आता है भाई पैसिफिक आइलैंड्स में से एक है वहाँ पर इनको लेके गए भाई और वहाँ पर जाके इनको अरेस्ट कर लिया वहाँ पे इनसे फिर पूछा कि क्या दिक्कत हो गई क्यों आए हो आप लोग हैं क्या करना चाहते हो यहाँ पर आके तो सीनियर बना इन लोगों ने बोला कि हम लोग असाइलम चाहिए हम लोग अपनी कंट्री में सेफ नहीं है बहुत बुरे हालात हैं ये वो उन्होंने बोला ओके और फिर डिपोर्ट वापस भेज दिया भाई ठीक है क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया के लॉज इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट है ऑस्ट्रेलिया सीधा बोलता है भाई वीजा है तो आओ नहीं है तो मत आओ तो इन लोगों को डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया भाई ऑस्ट्रेलिया में रखा भी नहीं आए पहुंचे बड़ी मुश्किल से उसके बाद भाई खाना वाना खिलाया सीधा ले गए नाहरू नाहरू से इन लोगों को सीधा डिपोर्ट कर दिया वापस अपनी कंट्री के लिए अब हुआ क्या पैसा बर्बाद ठीक है जिस पैसे को वो कहीं इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस ही खोल लेते छोटा सा ठीक है ये आप लोग सोचोगे ये वो लड़का बोल रहा है जो खुद बाहर रहता है ठीक है भाई हम लोग ही रहते हैं बहुत टाइम हो गया कोई फीसें वूसें -फीसे भरती सारी कोई टेंशन की बात नहीं है बट सीन ये है कि जो लोग गलत तरीके से जिनके पास पासपोर्ट वैलिड नहीं होता उनके पास डॉक्यूमेंटेशन में हिस्ट्री प्रॉपर नहीं होती जिनकी वजह से लोगों का वीज़ा कैंसिल हो जाता है फिर ही ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं तो जो भी कोई बंदा सोच रहा है कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं डंकी से ये एक परसेंट भी आधी परसेंट जनता भी सोचती होगी दिमाग में कि कुछ तो रूट होगा कुछ तो जुगाड़ निकाल देंगे तो भाई नहीं ऑस्ट्रेलिया के लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एनी डूइंग दिस काइंड ऑफ न्यूसेंस तो ये थी भाई पूरी कहानी ऑस्ट्रेलिया में डंकी कैसे किस किन लोगों ने करी और क्या वारदात हो गई उन लोगों के साथ तो खैर है कि सारे लोग बच गए ठीक है सेफ थे बट लोगों की जाने भी चली जाती हैं भाई बहुत बुरे हालात हो जाते हैं और भाई मेरे को एक ऐसे सब्सक्राइबर मिले थे मैं एक बार सिडनी में था तब थोड़ा सा चैनल अपना चल स्टार्ट हुआ था चलना है ना करीबन बीस पच्चीस हजार फॉलोअर थे तो भाई मिला था एक मेरे को बोलता था मैंने आपकी वीडियो देखी मैंने कहा आप कहां से हो भाई कहते मैं म्यांमार से हूं मैंने कहा कब आए थे ऑस्ट्रेलिया कहते भाई मैं बहुत पहले आया था दो हजार में हम लोग बोट से ऑस्ट्रेलिया आए थे मेरे को नहीं पता भाई कि पहले लोग ने करी या नहीं करी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ करी ऑफकोर्स ठीक है course, जैसे वो भाई मेरे को मिला था वो तो रेजिडेंट थे अभी ठीक है रेफ्यूजी हाँ करी तो है भाई लोगों ने बट रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है भाई कोई फायदा नहीं है मतलब नो पॉइंट टाइम बर्बाद पैसा बर्बाद कोई एजेंट अगर आप लोगों को बोल रहा है कि मैं पहुंचा दूंगा कैसे ऐसे करके मिल जाएगी रेजिडेंसी पक्का सिटीजनशिप दिलवा दूंगा उसको बोलो पहले तू चला जा जा